हेलो स्टूडेंट्स, आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके थे। उससे बेस अभ्यास प्रश्नों को भी हमने काफ़ी किया है अच्छे से। और इसमें हम क्या सीख चुके हैं, आप हमारे आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है और उनको कैसे आयतचित्र, बहुबारंबारता, बहुभुज, वर्गन्तराल, उसकी पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। और क्लास इंटरवल आपका क्या होगा, बारंबारता क्या होगी, इनके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। आइए इसमें अभ्यास 14.3b के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया है। नीचे की सारणी 1400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। आपको जीवन काल घंटों में दिए गए हैं। क्या है लैंपों की संख्या? अब देखिए, 300 से 400 के बीच में, 400 से 500 के बीच में, 500 से 600 के बीच में, 600 से 700 के बीच में, 700 से 800 के बीच में, 800 से 900 के बीच में, 900 से 1000 के बीच में। अब लैंपों की संख्या क्या है आपकी, 14, 56, ये 60 आ गई, ये 86 आ गई, ये 74 आ गई, ये 62 आ गई, ये आ गई आपकी 48। ये आ गई अब लैंपों की संख्या। अब क्या दर्शाना है आपको, एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। सेकेंड आपको क्या बताना है, कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, कितने 700 घंटों से अधिक है, तो ये चीज आपको बतानी है। अब नेक्स्ट देखिए, दिए हुए आंकड़ों का निरूपण करने वाला आयतचित्र। अब देखिए, आपको दिया गया है ये आयतचित्र पूरा। अब जीवन काल घंटों में आपको दिए गए हैं। सेकेंडली क्या है आपका, 184, 74, 62, 48, और ये आ गया आपका 184। अब लैंपों के जीवन काल क्या है, 700 घंटे से अधिक है, कितने 700 घंटे से अधिक आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये 700 आ गया और ये आपका यहाँ तक दिए गए हैं। अब देखिए आपका कैसा आता है, सिक्स क्वेश्चन में नीचे की दो सारणियों प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। अब देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया गया है। इसमें अंक दिए गए हैं आपके 0 से 10, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता आपको दी गई है 3, 9, 17, 12 और 9। अंक आपको दिए गए हैं 0 to 10। आपको सेक्शन बी दिया गया है जिसमें आपको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये दिए इस प्रकार आपको दिए गए हैं। अब बारंबारता कितनी है, 5, 19, 15, 10 और 1। मतलब ऐसे 5 हैं जिनके 0 to 10 हैं, ऐसे 19 हैं जिनके 0 to 20 हैं, ऐसे 15 हैं जिनके 20 to 30 हैं, ऐसे 10 हैं जिनके 30 to 40 हैं। अब 1 कितने हैं, 40 to 50। तो दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक आलेख पर दो सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। अब देखिए, सेक्शन ए दिया गया है आपको, सेक्शन बी दिया गया है। अब अंक दिए गए हैं आपको 0 to 10, 10 to 20, पूरा 50 तक। वर्ग चिन्ह दिए गए हैं आपको 5, 15, 25, 35 और 45। बारंबारता आपको दी गई है, फिर आपको अंक दिए गए हैं सेक्शन बी के, फिर वर्ग चिन्ह आप बना सकते हैं इनके। और ये क्या आ गया आपका, इनके वर्ग चिन्ह कैसे निकलते हैं आपको पता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन में 2। तो हमारा कैसे निकला ये, 10 प्लस 0 अपॉन 2, क्या आ गया आपका 5। ये देखिए, इसी प्रकार हमने क्या निकाला, 20 प्लस 10 अपॉन 2, तो क्या आ गया आपका 15। 30 प्लस 20 अपॉन 2, तो आपका 25। इसी प्रकार हम लेंगे क्या, 40 प्लस 30 अपॉन 2, तो क्या आ गया आपका 35। और फिर लेंगे हम 50 प्लस 40 अपॉन 2, तो आपका आ गया 45। ये बात आपको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला बारंबारता बहुभुज। अभी 20, 15, 10 और 5 दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 आपको दिया गया है। अब देखिए, अंक दिए गए हैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको दिया गया है। और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके पता चलता है कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी से बेहतर हैं। अब देखेंगे कैसे हैं, ये देखिए आपको यहाँ तक दिए गए हैं, ये आपका 5 आ रहा है, ये आपका आ रहा होगा 3 पॉइंट कुछ करके, ये आ रहा है आपका यहाँ पर, और ये आपका कम आ रहा है, ये आपका यहाँ पे भी कम आ रहा है, ये आ रहा है आपका 17.5 के अकॉर्डिंग, ये आपका कम आ रहा है,
यहाँ पे आपका ये कितना कम आ रहा है, इस प्रकार ये इससे कम आ रहा है, यहाँ ये कम है आपका और आपका ये इससे कम है, और ये आपका दोनों का बराबर आ गया 55 के अकॉर्डिंग। और क्या है, सेक्शन ए आपका ये है और सेक्शन बी आपका येलो वाला है, तो आपका सेक्शन ए के प्राप्तांक बी से बेहतर है, तो आपका जो ब्लू वाला है वो आपका बी से बेहतर है, येलो वाले से बेहतर है बहुभुज जो आपका बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, एक मैच में दो टीमें हैं, ए है और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। अब देखिए गेंदों की संख्या दी गई है अलग अलग आपको, और टीम ए दी गई है, उसी प्रकार टीम बी दी गई है। अब टीम ए में 2 1 8 9 4 4 6 10 6 2, टीम बी में आपकी बारंबारता दी गई है क्या, 5 6 2 10 5 6 3 4 8 और 10। अब बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। अब संकेत क्या है, पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए, आपकी जो वर्ग अंतराल है वो दोनों वो सतत नहीं है, इनमें एक एक गैप आ रहा है सब में, देखिए ये 90 20 आ रहा है, इसमें भी गैप आ रहा है, तो हम इनको सतत श्रेणी में बनाते हैं। पहले आइए, यह वर्ग अंतराल सतत नहीं है, क्या है, सतत आपके सतत नहीं दिए गए हैं, अतः ऊपरी सीमा सतत नहीं है, अतः ऊपरी सीमा 0.5 से बढ़ाकर तथा निम्न सीमा 0.5 से घटाकर इन केंद्र अंतरालों को सतत बनाना है, इसलिए वर्ग अंतराल 0.5, 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5 हमें लेना है। अब गेंदों की संख्या देखिए आपको दी गई है और वर्ग चिन्ह आपको दिए गए हैं, 0.3, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, ये आपको दिए गए हैं। अब टीम क्या है आपकी, 2 1 8 9 4 6 10 6 और 2, टीम क्या है आपकी, 5 6 2 10 5 6 3 4 8 और ये 10 आ गई आपकी। अब देखिए, अब दिए हुए निरूपण को बारंबारता बहुभुज हमें बनाना है, तो बहुभुज बनाने के लिए हम इनको लेंगे, ये आपका 2 तक ले लिया हमने, इसको हमने कहाँ तक ले लिया, 8 तक, फिर ये आ गया आपका 9, फिर इसका नीचे आ गया 4, फिर ये आ गया आपका 5 पे 4 पॉइंट कुछ, ये 6 आ गया आपका, ये आपका 10 आ गया, फिर ये एक पॉइंट हमने ले लिया 6 पे, और फिर एक पॉइंट हमने ले लिया किस पे, 2 पे, और फिर ये आ गया आपका लास्ट में 0, फिर ये हमने लिया है 2 पॉइंट से 5 पे, 6 पे, फिर आपका 2 पे, फिर आपका 10 पे आ गया, फिर आपका 5 पे, फिर आपका 6 पे, फिर आपका आ गया यहाँ पे ये 3 पे, फिर आ गया आपका 4 पे, फिर ये 8 पे, फिर 10 पे, फिर आपका डायरेक्ट किस पे आ गया, ये 0 पे। अब देखिए हमें देखनी है किस पे आ रही है ये गेंदों की संख्या, ये टीम ए है, टीम बी है, ये टीम ए कैसी है, ब्लू कलर में, और ये येलो कलर में। अब देखते हैं आगे, अब 8th क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के बच्चों की संख्या एक आदर्शित सर्वेक्षण रैंडम सर्वे जो एकदम जाकर उनका सर्वे ले लिया गया और करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, आयु वर्षों में, तो बच्चों की संख्या कितनी थी, 5 बच्चे ऐसे थे जिनकी आयु 1 से 2 वर्ष है, 3 बच्चे ऐसे थे जिनकी 2 से 3 है, ऐसे 6 बच्चे थे जिनकी इतनी है, ऐसे 12 बच्चे थे। देखिए आपको दिया गया है क्या, 7 से 10 तक कितने बच्चे थे, 9 बच्चे थे, फिर 10 से 15 तक कितने थे, 10 बच्चे थे, फिर आपके 15 to 17 कितने थे, 4 बच्चे थे। अब ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र बनाइए, तो हमें एक आयतचित्र खींचना है, यहाँ पर देखिए आगे, अब देखिए आयतों के क्षेत्रफल छायाचित्र की बारंबारता के समानुपाती होते हैं, परंतु क्योंकि आयतों की लंबाई चौड़ाई बदल रही है चौड़ाई, इसलिए हमें लंबाइयों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और जिससे कि पुनः बारंबारता के समानुपाती हो जाए। अब आयु वर्षों में दी गई है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 और 15 to 17। अब बच्चों की संख्या देखिए आपको क्या है, 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4, और वर्ग की चौड़ाई कितनी है आपकी, 1, 1, 2, 2, 3, 5 और 2। अब देखिए आयत की लंबाई क्या है आपकी, 5/1 into 1, 5, 3, ये आ गई आपकी 3, ये आपकी आ गई 6, ये आ गई आपकी 3, ये आ गई आपकी 2 और ये आ गई आपकी 2। ये बात आपको क्लियर हुई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए,
आयु दी गई है वर्षों में, और बच्चों की संख्या आपको दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 5 तक आ गया आपका, ये आपकी आ गई 8, ये आ गई आपकी 6 तक, ये आ गई आपकी 8, और ये आ गया आपका 2, और ये फिर येलो कलर में आ गया आपका 2 तक ही आ गई बारंबारता। तो हमने क्या लिया 5 तक, ये 8 आ गए दो कलर आपके, फिर आ गया आपका 6, फिर आ गया आपका 8, फिर आपका आ गया 2, और ये भी आ गया आपका 2। तो आयु वर्षों में हमने इस प्रकार ली है कि पहले 5, 8, 8, 6, अलग अलग कलर में हमने इनको लिया है, निरूपण इनका किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 9। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम निर्देशित के लिए लिए गए और उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न बारहवंटा प्राप्त किया। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या 1 to 4, 4 to 6, 4 ये आ गया आपका, ये 6, 30, 44, 16 और 4। अब दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयचित्र खींचिए, और सेकंड क्या है इस वर्ग अंतराल बताइए इसमें अधिकतम संख्या कुल नाम है। अब क्या है, फर्स्ट आयतों के क्षेत्रफल आयचित्र की बारंबारता के समानुपाती होते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ आयतों की चौड़ाई बदल रही है इसलिए आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे कि क्षेत्रफल उन्हें बारंबारता के समानुपाती हो जाएं। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या, फिर वर्ग की चौड़ाई, फिर आयत की लंबाई आपकी आ गई 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, ये आ गई आपकी 6, 30, 44, 16 और ये आ गई आपकी 4। वर्ग की चौड़ाई 3, 2, 2, 4 और 6, आयत की चौड़ाई 4 आ गई, 30/2 ये आ गई 30, ये आ गई आपकी 44, ये आ गई आपकी 8 और ये आ गई आपकी 1। अब नेक्स्ट देखिए, अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कितनी आ गई आपकी, यहाँ पर 5 ये आ गई, 0 to 5 में आ गई आपकी 4.5 करके कुछ, यहाँ आ गई 30, ये आपकी आ गई 44 कुछ, ये आ गई आपकी 5 से ऊपर आ गई, ये आपकी बैठेगी यहाँ पर 7 कुछ। तो यहाँ पर हमने पूरा ले लिया प्रोसेस, और ये आपकी आ गई 3.5 करके कुछ। तो अंग्रेजी वर्णमालाओं की संख्या, अब सेकंड क्या है, वर्ग अंतराल 0 से 8 तक अधिकतम संख्या के कुल नाम हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने किस प्रकार इनको वर्गीकरण में किया, इन आंकड़ों को कैसे हमने डिवाइडेड करके बांटा है, और इनमें कैसे हमने अभ्यास प्रश्नों को किया है। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरी यहाँ पर आंकड़े लिए थे, ये इसको देख लेते हैं, हमने क्या कहा क्या तक लिए थे। देखिए यहाँ पे आपने इसकी लंबाई को 4 तक लिया है, ये 30 तक बन गई, ये 44 बन गई आपकी, ये आपकी 8 बन गई, ये आपकी 1 आ गई। इस प्रकार हमने इनके आंकड़ों को अलग कलर्ड में लिया है, और इनका क्या बनाया ये वर्गंताल बनाया, आयत चित्र, क्या बनाया हमने आयत चित्र, और इसको अलग अलग कलर्ड में हमने लिया है। यहाँ पर हमने ब्लू कलर में लिया है, ये हमने येलो कलर में लिया है, ये हमने ग्रीन कलर में लिया है, ये हमने कैसे लिया है पिंक कलर में लिया है, और ये हमारा कैसा है ब्लू, ये हमारा ब्लू कलर में हमने लिया है। और इसमें क्या बता रहे हैं कि 6 से 8 तक, 6 से 8 ये देखिए जो हमारा कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। तो हमारी क्या है वर्ग अंतराल आपका कौन सा है, 6 to 8 में अधिकतम संख्या कुल नाम है। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने आज ये सीखा कि हम बारंबारता का आयत चित्र कैसे बनाएंगे। जैसे आप ये जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं आयत चित्र, ये आपका क्या ले लेंगे यहाँ पर x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ y ले लेंगे, ठीक है। अब इनको ये क्या बन गया आपका आयत चित्र। बारंबारता बहुभुज आपका किस प्रकार बनेगा कि आप यहाँ पर बिंदु ले लेंगे, यहाँ नंबर ले लेंगे आपके, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये आप ले लेंगे यहाँ पर
इस प्रकार बिंदु यहाँ नंबर्स ले लेंगे, यहाँ भी आप नंबर ले लेंगे और ये आप जुड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार जाके ये बन जाएगा आपका बारंबारता बहुभुज। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के